पशु पालक भाइयों, क्या आपका पशु समय पे हिट पे नहीं आ रहा है? हिट पे आने के बाद बार बार फिर रहा है या रिपीट हो रहा है? या आपका पशु शरीर से कमजोर है? तो घबराइए नहीं, न्यूट्री डाइट खिलाइए। रोज 100 ग्राम दिन में एक बार चाट दलिए दाने में मिला कर दे, और छोटे बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए भी न्यूट्री डाइट दे। आप इसे हर मेडिकल स्टोर से, ऑनलाइन या अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। नीचे लिंक दिया हुआ है। चूक ना जाना न्यूट्री डाइट खिलाना। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ, पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाइयों ने गुरमीत कवि के हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार है। आज पहुंच चुके हैं जिला हिसार का उमरा गांव है। दोस्तों, पशुपालन के मामले में, खेलों के मामले में, किसी भी दृष्टि से जो गांव कभी पीछे नहीं रहा, उस गांव का नाम उमरा है। आज उसमें एक बहुत अच्छे फार्मर है, बहुत अच्छे पशुपालक भाई है, भाई संदीप जी उमरा, उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे और 3 से 4 पशुधन इस वीडियो में सेल के लिए आप लोगों को दिखाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार और बड़ी बढ़िया वीडियो होने वाली है, तो पूरी वीडियो सारे भाइयों जरूर देखनी। भाई संदीप भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब, एक बार दर्शकों को राने दो। राम राम भाई। गांव कौन सा अपना? उमरा जी। नाम संदीप। हाँ जी। तहसील अस्सी। हाँ जी। जिला हिसार। और मोबाइल नंबर है? 97287-2705। 97287-2705। थोड़ा ऊँचा बोलो संदीप भाई। कितना समय हो गया पशुपालन में? मन्ना हो गए जो होंगे भाई साहब 15-16 साल। 15-16 साल सेल का काम करते हुए? ठीक ठीक। तो आज इस वीडियो में कितने पशु दिखाओगे? 4 जी। 4 ताजे ब्याह हैं चारों? हाँ ताजे। तो एक नंबर झोटी से शुरुआत करते हैं। आप पे दिखाओगे? खोल खोल गेला गेल ले आओ, फिर खोल के ले आओ। कौन सा ब्याह था संदीप भाई साहब? क्या डिटेल होने वाली है? या खारकी है भाई जी। खारकी बच्चा दे रही है? हाँ जी। कितना कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? इसको रात को ब्याई थी जी, या 12 बजे? रात को 12 बजे ही ब्याई है। हाँ जी। ठीक ठीक। अडर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। थोड़ी पैक के ब्यारी है? ना, 4 दांत है जी। मुँह से 4 दांत है। ठीक 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 ठीक। दार पुसा बहुत बढ़िया। काफ के दे रखे जी बच्चा के? संदीप भाई कटड़ा जी, नीचे कटड़ा है। हाँ जी। केला गया, कितना दूध दे देगी? दूध देना चाहिए 14-15 किलो। 14-15 किलो अपने गांव की है या कहीं से ले? गांव की है। उन्हें कहा उम्रे की, तो बोला 14 तो कम तक देवेगी, इतना तो देवेगी। क्या कुछ मोल तो लोगे? इसके 1,45,000। देने लेने का है या इसमें कुछ गुंजाइश भी है? हाँ जी, तो ले आदरमान सबका होगा। हाँ हाँ। 1,45,000। 1,45,000 रुपये। गोल सिंह है भाई, चौड़ा पीठ पुट्ठा है, हाइट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन पशुधन बहुत बढ़िया है। अडर क्वालिटी से आप लोग देख सको, धारपुसा भाई संदीप बता रहा, बहुत बढ़िया है। नीचे कटड़ा है। अभी खीस से खाली कर दी जी? ना हो ही को नहीं जी, अगले थन खाली हो लिए। अगले थन खाली हो लिए। धार किस टाइम निकाल लिया करो? धार ही बस खाली करांगे जी, अभी खाली करोगे। ठीक ठीक। 1,45,000 रुपये बांध दो जी। बांध दिए। दो नंबर पशुधन आ गया भाई साहब, क्या डिटेल होने वाली है? भाई जी या दूसरे ब्यांत की है? दूसरे ब्याह की। बच्चा दे रही, कितने दिन हो गए ब्याह ने? 10 दिन की ब्याह होगी। 10 दिन की ब्याह। कति गोल सिंह है भाई साहब, चाहे वो खरकी झोटी की बात हो चाहे इसकी बात हो, सिंह कहन तो जिन्हें को हर चवन्नी सिंह कह दिया, वो सिंह है भाई। एक बार दाऊ देख लो, थोड़ा आगे कर लो भाई साहब, बच्चा लग गया। कितना क्या दूध है भाई जी? फिर इसमें जी 14 किलो तैयार। 14 किलो तैयार। कई दिन की ब्याई बताओ हो? 10 दिन की। 10 दिन की। धार पूसा किसा है? बहुत बढ़िया, बहुत टॉप की, बहुत टॉप की धार है। केला गया, कितना दूध दे देगी? दूध देना चाहिए जी 17-18 किलो। 17-18 किलो। ब्यात कौन सा बताया जी? दूसरा। दूसरे ब्यात में 7 से 8 दिन की ब्याई है। बच्चा क्या है नीचे? कटड़ा। इसके नीचे कटड़ा है भाई, और 7 से 8 दिन की ब्याई है। 17-18 किलो कम से कम दूध देने का काम करेगी। रेट क्या होंगे संदीप भाई? फिर रेट इसके 1,75,000। 1,75,000 रुपये मोल होगा भाई। आप सभी के सामने है पशुधन, आप देख सको, चौड़ा पीठ पुट्ठा है। अडर की क्वालिटी देख लो, थना का डिस्टेंस देख लो, थनों का साइज देख लो। दूसरे ब्याह तो में 8 दिन की ब्याई है। अभी मौके पर कितना दूध बताया जी? 14 किलो जी। 14 किलो दूध मौके पर तैयार है, और जो दूध देने का काम करेगी 17 से 18 किलो भाई बता रहा है दूध देगी भाई। 1,75,000 रुपये यही है ना संदीप जी? हाँ जी यही। 1,75,000 रुपये भाई ने इस झोटी का मोल बताया भाई आप सभी के सामने। बहुत बढ़िया, अच्छी क्वालिटी का साफ सुथरा पशुधन है, जिस चीज के लिए उमरा गांव जाना जावा है, आज उसी गांव में आप पहुंचे हैं भाई। यो ने जी भाई जी कह दिया 14 कांडगा है ठंडा। हाँ ठंडा कांडगा। ठीक ठीक। गण करे तो महा संदीप भाई लीटर नाला भी ना, लीटर नाला कौन जी आड़े? आड़े लीटर का कोई हिसाब नहीं। कांडा दे रहा है कोई भाई, आओ तो लिए फिर ले। कई टाइम चुवाई करके ले जा सके है पशु? 4 टाइम कर लो कोई दिक्कत। किसी भाई ने भी पशुधन लेके जाओ, कोई 3 टाइम चुवाई करो, 4 टाइम चुवाई करो, कोई बंदिश नहीं है। आपके सामने आपका पशुधन है। 3 नंबर की क्या डिटेल होने वाली है? 3 नंबर खोल लो जी।
हाँ, तीन नंबर पशुधन भाई जी, क्या डिटेल होने वाली है संदीप जी? या दूसरे ब्याह की है जी। दूसरे ब्याह में बच्चा दे रही है? हाँ, ये भी इसमें 17-18 किलो दूध कंडे का तैयार है जी। कंडे का 17-18 किलो दूध तैयार है और लोटी तो दिखा है भाई साहब, दूध देने वाला पशु है। कितने दिन की ब्याई बताई रहे? ब्याई तो होगी जी 20 दिन का लगभग। 20 दिन की ब्याई। बच्चा क्या है? बच्चा कटड़ा है जी। नीचे कटड़ा है भाई, गोल सींग है, आप लोग देख सको हो, चौड़ा पीठ पुट्ठा है। अंकित भाई को थन दिखा दिए दाऊं, ताकि किसी भाई का कोई डाउट रहे, और अडर क्वालिटी थोड़ा दूर उठके दिखा दिए अंकित। कई भाई जगह डाउट रहा है, अगर जूम करके अडर दिखाऊं वो चीज़ अपने वो नहीं है भाई। अपना जो काम मिलेगा पशुपालन विकास मंच का, पूरा फेयर साफ सुथरा काम मिलेगा। दूध कितना बताया जी? इसमें 17-18 बीच में जी। 17-18 बीच में है, और कितना दे देगी, क्या लागे है? तो या 20 किलो दूध तैयार हो जाए उस दिन मोल कराए जी। 20 किलो दूध जब तैयार कर देगी उसके बाद मोल होगा। अभी कोई मोल नहीं बताओ इसका? कोई मोल नहीं। मैं कहा था पशुपालक, कहा था मैं तो इतने पहले लूंगा, तुम ना 20 किलो तैयार हो दे उसे टाइम। फिर 20 किलो का क्या रेट होगा संदीप? 20 किलो का 2.5 लाख रुपये होगा। 2.5 लाख रुपये, यह बात। 20 किलो तैयार करके भाई बेचेगा, 20 दिन की ब्याई है, नीचे कटड़ा है। धारपुसा संदीप भाई, एक नंबर का धारपुसा बहुत बढ़िया है। फिलहाल मौके पर 20 दिन की ब्याई के नीचे 17-18 किलो दूध तैयार है जी। कंडे के तोल का ठंडा दूध जिना पका, और नीचे कटड़ा है, बहुत अच्छे चौड़े पीठ पुट्ठे की, अच्छी हाइट लेंथ की, फुल बॉडी वेट की, बहुत बढ़िया जोटी है। कितना बताया जी 20 किलो दूध पे? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए कीमत होने वाली है 20 किलो दूध अगर तैयार करती, 20 किलो दूध तैयार करके 22 जोटी को बेचने का काम करेगा, और कीमत होगी 2,50,000 रुपए। बांध दो जी। चार नंबर पशुधन आ गया भाई, जो पूरा जूता आधा कट के बांध रखा है में भी है संदीप है? या तो है जी। ठीक ठीक है। गोल सिंह है भाई अंकित, चौड़ा पीठ पुट्ठा है, हाइट तो ज्यादा मैं नहीं है, आप सीधी क्लियर बात जो करांगे। कितने दिन की ब्याई होली जी? ब्याई नहीं है जी, 10 दिन रह रहे हैं ब्याने के। अच्छा अच्छा, मगर वीडियो की स्टार्टिंग में आप कह रहे थे ना सारे ताजा ब्याए हैं ना, या गैप बढ़ा जी? या गैप बढ़ा। कितने दिन रहते हैं डिलीवरी के? 10 दिन रह रहे हैं। 10 दिन लेगी भाई। अच्छा, ब्याह में कौन से बच्चा देगी? या दूसरा में देगी जी। दूसरे में देगी। खार की अपने तो रहते लेके आए यहाँ पे? लेके आए जी। ठीक ठीक। खार की ने कितना दूध दे रखा है? 10-11 किलो दूध दे रखा है। 10-11 अरे बाप कह जाए या 15। हाँ हाँ हाँ, ईमानदारी बड़ी ज्यादा जरूरी है संदीप भाई, जब काम कर रहे हैं ना, कोई भी आप काम कर लिया। अरे चेपा मार के लिए ओट दी हाग लेना ना अपनी ओट से? अच्छा अच्छा, आप ओट दोगे अगर बेचोगे तो थोड़ा की ओट दोगे? फूल वगैरह की समस्या? 24 घंटे तो सारी होगी जी, 24 घंटे की हर प्रकार की समस्या की, जो भाई बता रहे हैं भाई गोल सिंह है। के कुछ मोल तोल होंगे जी? इसके 1,25,000 रुपए होगा। 1,25,000 रुपए मोल होगा भाई आप सभी के सामने। दूसरे ब्याह में बच्चा देगी। दूसरी बात आप लोगों को बता, 10 दिन रह रहे हैं ब्याह के। सीमन पता है कौन सा रखवा रखा ना है? कौन बेरा जी? सीमन के बारे में नॉलेज नहीं है पशुपालक को, क्योंकि सेल परचेज का भाई का काम है। इस कारण से पहले ब्याह में 10-11 किलो दूध इस जोटी ने दे रखा है। गोल सिंह चौड़ा पीठ पुट्टा है, हाइट लमसम 4 फुट के आसपास होगी। हाइट मीडियम है जी, हाइट मीडियम में है, लेकिन जोटी बड़ी बड़ी है भाई। मिल जो अपना नशे है ना अंकित, ये दिखा दिए दाऊ एक बार, जो कर एक नस दिखन लाग रही है भाई इसकी, और थनों का डिस्टेंस दिखा दे, थन दिखा दे, अडर क्वालिटी दिखा दे, बहुत बढ़िया थनों का साइज के तरीके से। हर भाई ने कह दिया पा थना की ओट देवांगे हर प्रकार से। बांध दो संदीप भाई। तो भाई आज पहुंचे थे उमरा गाँव में संदीप भाई के पास। संदीप जी उमरा बहुत अच्छे पशुपालक भाई है, 4 से 5 पशुधन आप लोगों को इस वीडियो में दिखाए हैं, 3 ताजा ब्याई दिखाई है, 1 गैबन दिखाई है। रेट आप सभी के सामने थे, कैसे भाई के रेट आप लोगों को लगे, कैसे भाई का काम आप लोगों को लगे? कई साल हो गए होंगे भाई जी काम करते? 15-16 साल भाई साहब ने बिल्कुल काम करते हुए हो चुके हैं। तो पशुओं की बात पशुपालकों के साथ, पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाइयों ने राम 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 राम।